वेलकम टू इजी बिजी किचन, आपके अपने ही किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मिल्क बादाम कुल्फी, मटके वाली कुल्फी, बादाम, कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसका हम लोग प्रीमिक्स बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक खाली बाउल ले लिया है और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तकरीबन ये हमारा 200 ग्राम है। जस्ट हाफ इसका शुगर ले लिया हमने 100 ग्राम। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, और ये ऑप्शनल है, ये साइट्रिक एसिड है। जब मटके वाली कुल्फी हम लोग खाते हैं तो उसमें थोड़ी फुट फुट करके दिखाई देती है या कहीं कहीं के धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं दूध के, ये उसकी वजह से। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह पर आप लेमन भी यूज़ कर। पर हम लोग प्रीमिक्स बना रहे हैं तो ये जब भी आप बना के रखोगे तो बस फुल फैट मिल्क में घोलो, चट से अपना ये तैयार। और यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं जूलियस बादाम, पिस्ते एंड कैशनट। अब इसको हम लोग थोड़े थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। लीजिए, हमारा झटपट से प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो गया। आप ये जब भी बनाओ बस कंटेनर में ये बना के रख दो और कंटेनर में भर के आप रख दो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, फुल फैट मिल्क ये हमारा बिल्कुल प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी है। इससे आप अमूल दूध बनाइए, ठंडाई बनाइए या कुल्फी बनाइए, रबड़ी बनाइए, आइसक्रीम बनाइए, फटाफट ये प्रीमिक्स आपका तैयार है। मन चाहे आइटम आप इसमें इसको इस प्रीमिक्स से बना सकते हैं। और हमने जार में एक टाइट कंटेनर में भर के रख दे रहे हैं इसको। त्यौहार आने वाला है, शिवरात्रि है, होली है, जब मन चाहे आपका बस बनाइए और तुरंत रेडी हो जाएगा। देखिए, ये हमारा प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी है। अगर ये प्रीमिक्स का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि दूसरे भी त्यौहार में अच्छे से इंजॉय कर सकें। देखिए, इसी प्रीमिक्स से अब हम बनाने जा रहे हैं मिल्क बादाम एंड मटके वाली कुल्फी, आपको बना के दिखा रही हूँ इसी प्रीमिक्स से। हमने ले लिया है फुल फैट मिल्क, तकरीबन 1 kg है। चलिए, ये हमारा उबाल के मतलब आ ही रहा है, अभी अच्छे से उबल नहीं पाया है। और इसी कंडीशन में मुझे ये डालना है थोड़ा थोड़ा करके ये मिश्रण जो हमने ये अभी प्रीमिक्स बना के रखा। देखिए, हाफ हमने पाउडर इसमें ऐड कर दिया। देखिए, अच्छे से अभी से ये क्रीमी क्रीमी लग रहा है, लेकिन बट मुझे थोड़ा और क्रीमी बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना है। तो ये हाफ जो हमने रखा उसका ये भी अभी ऐड कर दूंगी और अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। और इसमें हम लोग इस समय कंडीशन पे जैसे केसर भी यूज़ कर सकते हैं और येल्लो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में बना रहे हो तो केसर ही यूज़ करो। अगर जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो किसी पार्टी वगैरह के लिए तो आप उस जगह पर कलर भी, फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, इतना गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी क्रीमी हो गया ना, जैसे अमूल के वो या किसी और ब्रांड के भी जैसे मिल्क बादाम वगैरह आते हैं। देखिए, देखिए एक ही उबाल में हमारा इतना गाढ़ा हो गया है जैसे क्रीमी दूध मिलता है मार्केट में। और इसमें अब हम लोग येलो कलर तो नहीं यूज़ करेंगे, फूड कलर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इस कंडीशन पे केसर। यहाँ हमने दूध में केसर भिगो के थोड़ी रखी थी, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं, अपनों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी तो होना ही चाहिए। देखिए, बस अब हम फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ और थोड़ा हल्का ठंडा होने दें। फिर जो घर वाली बॉटलें पड़ी रहती हैं, अगर आपके पास खाली बॉटल पड़ी है थम्सअप की, माजा की, मरिंडा की, किसी भी तरीके से कांच की बॉटल पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो दूध वाले जो ग्लास आते हैं उसमें भी भर के आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, ये हमारा मिल्क वाला दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है जो हमने मिल्क बादाम के लिए निकाला था हाफ। अब हम लोग इसको भरेंगे इस किसी खाली बॉटल में।
इसको हम भर लेते हैं अच्छे से बॉटल में। देखिए ये हमारी बॉटल्स अच्छे से पूरी हमने भर ली। अब लोग हम इसको, अगर आपके पास ये कैप है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये फॉइल पेपर जो आते हैं ना इसमें खाना पैक करते हैं, ये वाला भी आप लोग ऐसे ऊपर से इसको करके बंद करके रख सकते हो। अब आप जब भी आपका मन करे बस प्रीमिक्स बना के रखिए और बस बच्चों को हेल्दी दीजिए। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको फ्रिज में रखिए और ठंडा होने के बाद बिल्कुल आराम से इंजॉय कीजिए। आप भी इंजॉय करें, आपके गेस्ट जो आप बना के रखे हो वो भी इंजॉय करें। कभी कोई अचानक आ जा रहा है तो भी आप इसे सर्व कर सकते हो, तब भी आप आपकी तारीफों के फूल नहीं बांधेंगे कि हाँ आपने तो बहुत अच्छा घर में बना के रखा है। और आप भी उसे प्रीमिक्स के बारे में जानकारी दीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।